कर लेते हैं खबर है गुरुग्राम से, जहां पर 4 अगस्त को आरके ज्वेलर्स की दुकान में लूट होने के संबंध में जानकारी मिली थी और गुरुग्राम की पुलिस टीम तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच गई थी दुकान, जहां पर दुकान के मालिक ने बताया कि करीब 3:15 पर 3 लड़के दुकान पर आए और आते ही एक ने रिवॉल्वर तान दी, दूसरे ने चाकू निकाल लिया, तीसरे ने दुकान में रखी ज्वेलरी, नकदी और मोबाइल फोन सभी एक बैग में डाल लिए और वहां से रफूचक्कर हो गए। हमारे सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन के इलाके में भगत सिंह चौक पे आरके ज्वेलर्स के नाम से सोने चांदी का व्यापार करने वाले व्यापारी की दुकान है, वहाँ पे लगभग 3:15 3 लड़के आए और उन्होंने एक के हाथ में पिस्टल था, एक के हाथ में चाकू था और उन्होंने दुकान में घुस के उसके साथ मारपीट करते हुए दुकान का काफ़ी सारा जो सामान था सोना चांदी डायमंड सब लूट के और वहाँ से फरार हो गए। इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम पालम यार इंस्पेक्टर जोगिंदर के नेतृत्व में टीम में काम करते हुए बहुत कम समय में ही अननोन जो अक्यूज थे उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। और अगली खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विभिन्न विधायकों के द्वारा नूह के तावड़ू में अवैध खनन रोकने पर डीएसपी की खनन माफिया द्वारा डंपर से कुचलकर हत्या से संबंधित लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान साल 2015 से 2016 और 2021 से 2022 तक 7 सालों में खनन से 4,660 करोड़ रूपये का राजस्व आया है, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान साल 2015 से लेकर 2014 तक केवल 1,268 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ था, यानी 130 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का राजस्व ही प्राप्त हुआ था, जबकि हमारे कार्यकाल में लगभग 600 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का राजस्व प्राप्त हुआ था। अध्यक्ष महोदय, देखिए ये हमारी विधानसभा का ये विधानसभा की चर्चा है और विधानसभा की चर्चा में लोकतांत्रिक व्यवस्था ये है कि जब भी कोई आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो उसमें हमेशा तुलना की जाती है, सरकार कभी किसी की चलती रहती है, लेकिन एक तरफा तो खुले आरोप लगाए जाए ये चौपट हो गया, ये सब बर्बाद हो गया, और अगर उसकी तुलना नहीं, इन चीजों को नकारने के लिए हमें कोई तुलना तो कभी करनी पड़ेगी, अगर तुलना करनी पड़ेगी तो चौपट उस समय था कि चौपट आज है ये हमको बताना तो पड़ेगा। ये आपके समय में जो बंद थी वो सन 2012-13-14 में बंद थी।